तो हेलो गाइस, आज का वीडियो बनाने का एक ही टॉपिक है जो कि हम आज आ रहे थे होटल से, जैसे अभी ब्रेक करके आ रहे थे, जैसे शिफ्ट ख़त्म हो गया तो उस वक्त कुछ पीछे से लड़के आ रहे थे। और वो लड़के मतलब वहाँ के सिम्बायोसिस कॉलेज है ना, वहाँ पे नगर में, तो वैसे ही थे वो। तो हम जब चल रहे थे आगे तो मतलब पीछे से वो कुछ बोल रहे थे, जैसे कि पीछे से वो बोल रहे थे, गालू गालू करके बोल रहे थे। तो हमने सुना हो, स्टार्टिंग में सुना हमने, एक दो तीन बार उन्होंने बोला, हमने सुन लिया। लेकिन वो कौन, मतलब उनकी तादाद ज़्यादा थी, चार पांच लोग थे ऊपर घर पीछे, तो इसलिए हमने सोचे कि काई को पंगा लेने का, ये सब हमने सोचा। और फिर मतलब ना अनसुना करके ऐसे चले आए, आगे जैसे चलते रहे और आगे चले आए। और मतलब हमारे सर भी थे मेरे साथ में, हम दोनों भी थे, और वो पीछे से बोल ही रहे थे ऐसे। लेकिन फिर भी हमने अनसुना करके आगे चले आए। और दोनों ने भी मतलब हम दोनों ने एक दूसरे को बीच में बोला कि ये सुनाए करते, जब बीच में रास्ते में आ गए तो तब नहीं, उन्होंने बोला कि ये ऐसे ऐसे बोला, तो उन्होंने भी सुना था। फिर बाद में मतलब हम दोनों को भी मतलब लगा कि यार उसको कुछ तो बोलना चाहिए था, अगर कुछ तो करना चाहिए था। तो मेरे पास नाइफ है लेकिन फिर भी मैं लेके नहीं गया था, जो रुपये मैं रखता हूँ। नाइफ सच में रहता ना साथ में तो कुछ तो हो गया रहता, 100% आए थे। क्योंकि बाद में हमें इतना अभी रिग्रेट हो रहा है ना कि अगर उस वक्त कुछ तो किया रहता ना, मतलब सच में कुछ तो करना ही चाहिए था। क्योंकि इतना गुस्सा अभी भी दिमाग में होना कि क्या बताओ, इसे उसे इसे दिमाग में रख के कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए अभी ये वीडियो बना के शो कर रहा हूँ। क्योंकि क्या करो गाइस, इतना गुस्सा आता है ना कि अगर विदाउट एनी रीज़न अगर कोई आपको कैसे भी पीछे से कुछ भी बोल दे तो आपको कैसा लगेगा, आप खुद ही बताइए मुझे कैसा लगेगा आपको। कि अगर आपने उससे कुछ बात भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी वह बंदा आपको अगर पीछे से ऐसे बोल रहा है कि गांडू वगैरह कुछ भी ऐसा बोलेगा पीछे से, तो आपको कैसा लगेगा, आप ही बताइए मुझे। तो ऐसे हुआ तो फिर इतना गुस्सा आया कि क्या बताया, अभी रात भर नींद नहीं आएगी क्योंकि इतना दिमाग में चल रहा है कि अगर विदाउट रीज़न कोई आपको विदाउट रीज़न इतना वो बोल दिया। लेकिन बाद में फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ बोला यही अच्छे हो, क्योंकि उसके परिणाम के बारे में अगर सोचा कि अगर कुछ किया रहता, नाइफ रहता, कुछ मारा रहता, कुछ भी हुआ रहता अगर वहाँ पे, तो कल कितनी दिक्कत होती पता नहीं। कल इतना दिक्कत होता कि हम होटल भी नहीं जा पाते, और अगर पुलिस केस वगैरह ऐसी चीज़ें होती तो फिर तो बहुत दिक्कत होती। इसलिए फिर बाद में सोचा कि नहीं कर लीजिए, जाने दो, छोड़ दो, ऐसे भूल के नहीं कर लिए। मैंने अभी अभी इतना ज़्यादा सोचने के बाद अभी दिमाग में आया, लेकिन उस वक्त तो बस जैसे रूम रूम बीच में रास्ते में थे ना, और हम दोनों को पता चला ना कि दोनों को बताया ना हमने, मैंने सर को बताया, सर ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो मैंने भी वो नोटिस किया था, उन्होंने भी नोटिस किया था। तो फिर इतना उस वक्त रिग्रेट होना कि भाई सच में वहाँ पे रुक के ना कुछ तो बोला रहता, अगर कुछ रहता ना मेरे पास 100% कम तो गिरा ही रहता, इतना गुस्सा आया था बेटा सच में। अभी तो हंस रहा हूँ लेकिन अंदर से इतनी आग है ना, होता है ऐसा। बॉडी लैंग्वेज पे कभी नहीं जाना, किसी के भी बॉडी लैंग्वेज में मत जाना। जो शांत आदमी रहता है, जिसकी बॉडी बहुत ना हो, तो आपको लगेगा कि पतला आदमी है, कुछ नहीं कर पाएगा, ये करेगा वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता। अगर वो भी अपने अवकाश पर उतरा है ना तो सख्ती मार के रखेगा, इसलिए उसके बारे में मत सोचो कि अगर बंदा कैसा है, कभी करेगा जितने में ऐसा है तो फिर कुछ नहीं करेगा या कुछ, आप इसके बारे में बिल्कुल मत सोचना, यही सीन रहता है। तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर बाद में सोचा मैंने कि भाई अगर इसके आगे अगर कुछ हो जाए, अगर पुलिस कंप्लेन हो जाए तो आगे का करियर है, जॉब है, इतना सब करना है बाकी है, तो फिर क्या होगा आगे, मतलब इसलिए फिर अभी इतना सोचने के बाद होता है। लेकिन अगर पुराने साधु संत अगर उनके बारे में मतलब याद किया तो इतना सब सहन करके, नैनेश्वर मावली वगैरह इनके बारे में अगर आपने रिसर्च किया, उनके बारे में अगर समझा आपने, तो फिर आप देख सकते हो उन पर इतना अत्याचार हुआ था, हमसे तो कई गुना ज़्यादा हुआ था, तो उन्होंने ये सब सह के आज अभी भगवान है। तो फिर इसलिए मतलब कंट्रोल करना चाहिए सब चीज़ें। और गुस्सा बहुत बेकार चीज़ है, ये मुझे अभी बाद में सोचने के बाद एहसास होता है। अगर मैंने उस वक्त कुछ कर दिया रहता ना तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता, अभी जितना रिग्रेट हो रहा है कि मैंने कुछ किया नहीं वहाँ पे, इससे भी कई गुना ज़्यादा मुझे रिग्रेट होता। अगर मैंने कुछ किया रहता तो मैं रूम पे भी अभी नहीं रहता, इधर तो भाग के छुपा रहता कहीं पर जाए, क्योंकि
गुस्सा एक बहुत बेकार चीज़ है, ये आपको बता देता हूँ कि गुस्सा इतनी बेकार चीज़ है कि वो गुस्सा कभी भी ना खुद का ही नुकसान कर देता है, खुद का ही नुकसान, दूसरे का नुकसान तो करता ही करता है लेकिन खुद का इतना ज़्यादा नुकसान कर दूसरे से ज़्यादा अपना खुद का नुकसान कर देता है, इसलिए गुस्सा बिल्कुल मत करना। मुझे भी मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, जैसे मैं सोच रहा था, लेकिन फिर बाद में सोचा कि गुस्सा रहने से कुछ फ़ायदा नहीं है, इसका परिणाम के बारे में भी सोचना चाहिए ना, अगर गुस्सा ऐसा है, गुस्से में आदमी देखता नहीं आगे, कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, आगे का मर जाए या कुछ भी हो जाए, उसके बारे में सोचता नहीं आदमी, बस अपना सेटिस्फेक्शन मांगता है उसको, और उसको सेटिस्फेक्शन तभी आता है कि जब वो आगे वाले को इतना मारे कि जब तक उसके दिल को सुकून नहीं मिले तब तक मारे, ऐसा रहता है। इसलिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ, गुस्सा मत करो कभी भी, और मैं इसीलिए मैं अपना गुस्सा शांत करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि क्या रहता है, अगर आपके दिल में कुछ भी रहेगा, कुछ भी दिक्कत रहेगी, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, तो फिर आप अगर दूसरों को बताओगे, अगर वो चीज़ शेयर करोगे, तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपको अच्छा लगेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें शेयर करने से उसका भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा और हमारे वजह से किसी और को भी मतलब थोड़ा सी सजेशन मिल जाएगी, और इसलिए गुस्सा करना बहुत बेकार चीज़ है, इसलिए पहले आपको बता देता हूँ, और बस यही बताना था। अभी भी गुस्सा है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी सोचा मैंने, अगर मैंने कुछ किया रहता ठंडे तो, अगर कुछ भी किया रहता मैंने तो अभी मेरा क्या हालत है, ये अभी इतना टेंशन रहता, कल का, कल जॉब जाने का, कल ड्यूटी पे भी नहीं जा पाता मैं, उस एरिया में ही नहीं जा पाता मैं, कल ही मेरे को होटल छोड़ना पड़ता अगर मैंने अब भी कुछ किया रहता। बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ स्टार्टिंग में, लेकिन अभी अभी अच्छा लग रहा है कि भाई कौन भगवान बचा लिया तूने मुझे कि मैंने कुछ किया नहीं वहाँ पे, सच में अगर इतना गुस्सा था उस वक्त कि क्या होता है, लिमिट के पार, सच में नाइफ रहता ना 100% मारा रहता उसको नाइफ से, 100% इसमें कोई भी शक नहीं है कि मैंने उसको मारा नहीं रहा, क्योंकि विदाउट रीज़न उसने बोला था, इतना गुस्सा था बेकार सच में। लेकिन अभी बाद में भी अच्छा लग रहा है कि भाई नहीं मारा ये अच्छा, क्योंकि बाद में जो दिक्कतें हो जाती उसको मैं कैसे संभालता, अभी ये गुस्सा हो जाता 2 मिनट का गुस्सा, 2 मिनट में उसको कुछ मारूँ या उसने मेरे को मारा रहता या मैंने उसको मारा रहता कुछ तो हुआ रहता, ये 2 मिनट का मेरे को कितने दिन तक सहना पड़ता अगर मैंने कुछ किया रहता, सही है ना, इसलिए अच्छा लग रहा है कि मैंने कुछ किया, मेरे से कुछ हुआ नहीं और इग्नोर करके चला गया सच में। अगर पुराने संतों की बातें याद करो ना, सच में उन्होंने इतना सहा है, उसके मुकाबले तो ये तो इतना छोटा सा भी नहीं, इतना भी, और हम इसी चीज़ को इतना बड़ा इशू बनाएंगे, अगर उसने थोड़ा सा कुछ गाली दे दिया, अगर किसी ने भी आपको थोड़ा सा भी गाली दे दिया ना, मतलब आपको लगा कि भाई वो आपको दे रहा है, तो भी आप उसे इग्नोर करके चले जाओ, क्योंकि गुस्सा कभी भी खुद का नुकसान करता है, दूसरे का तो करता ही करता है लेकिन सबसे ज़्यादा अपना नुकसान करता है, इसलिए गुस्सा करना छोड़ दो, ये मुझे अब पता चल रहा है, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं, और ऐसे ही चुप बैठ गया मैं आगे रूम पर, और ये रूम में बैठ के सर के दिमाग में भी इतना गुस्सा है ना, सर भी बोल रहे कि और भी रात भर नींद नहीं आएगी, इतना रिग्रेट हो रहा है, लेकिन मैंने उन्हें बताया अभी कि आप गुस्से के बारे में तो सोच रहे हैं लेकिन आप उसके बारे में सोचिए कि अगर उसके परिणाम के बारे में सोचो, अगर हमने कुछ किया रहता, उसको मारा रहता, कुछ भी किया रहता, तो कल हमारी क्या रहती, इज्जत के बारे में तो छोड़ो, वहाँ पर जॉब नहीं कर सकते थे वो बंदे, वहाँ पे कॉलेज के बंदे हैं, उन्होंने कल कुछ भी 4-5-10 बंदे बुला के होटल में घुस के कुछ हंगामा कर दिया रहता, ऐसा हो जाता कल, नहीं तो फिर अगर हमने कुछ किया रहता तो फिर कल तो पुलिस हमारे पीछे पड़ जाती है? मारा चाकू से मारा करके होटल पे भी पुलिस आ जाती, पूरा चक्काना शुरू होगा, मतलब लाइफ का ही खेल खत्म। देखो तो जैसे पुलिस कंप्लेंट हो जाती तो करियर के बारे में, गवर्नमेंट जॉब को तो गया, ऐसे खेल लगा, पुलिस कंप्लेंट वगैरह इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं करना है, कि ये बहुत अच्छा हुआ कि भाई मैंने कुछ किया नहीं, कुछ बोला नहीं उनको, ऐसे ही चुपचाप हो, क्योंकि इतना छोटा छोटा इशू भी ना लाइफ में बहुत बड़ी चेंजेस कर देता है, इसलिए आपको ना
ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, गुस्से वाली चीज़ों से 100% दूर होनी चाहिए। अगर गुस्सा आया भी ना तो ऐसे सोच के छोड़ देना, बस इधर से सुनो और इधर से छोड़ दो, बस ऐसा करो। और मतलब मैं कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर आप बोलिए क्या बकवास कर रहा, टाइम पास कर रहा है, कुछ भी बता रहा है, लेकिन सही बात है, जो मैं अभी फील कर रहा हूँ ना वही आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ना मैं सच में मार ही दूँ उसे, सच में उसे मार ही दूँ, मैं ज़िंदगी का आगे में सोच रहा, आज तू रहेगा नहीं तो मैं रहूँगा, बस यही सोचा था मैंने। लेकिन इतना ज़्यादा सोचा मैंने बाद में, दिमाग अभी मेरा दुख रहा है कि मैंने इतना सोचा और अभी मुझे लास्ट में पता चला मैं गुस्सा नहीं करना चाहिए, और जाके पता चला। इसलिए तो वीडियो बना रहा हूँ कि भाई मेरी वजह से किसी दो लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो वो फिर सोचेंगे कि भाई है ना कि गुस्सा कितना बेकार चीज़ है। इसलिए बना रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, मैंने किसी को बताया मेरा भी थोड़ा हल्का हो जाएगा और टेंशन थोड़ा कम हो जाएगा, और मेरी वजह से और दूसरे एक दो लोगों को भी फायदा हो जाएगा। बस यही था ये बताना था आपको। अभी ठीक है, अभी तो जाके सो जाता हूँ, कल सुबह 7 बजे ड्यूटी जाना है। फिर आज अगर कुछ हो जाता तो 7 बजे का ड्यूटी तो गया, कब का गायब हो गया तो 7 बजे का ड्यूटी। कल इधर इस एरिया में ही नहीं दिखता मैं, कल विमान नगर एरिया छोड़ के डायरेक्ट दोस्त के रूम पे, नहीं तो कहीं पे दोस्त के घर पे जाता हूँ। तो आज रात को ही वो एस टी स्टैंड पे जाके बैठता, मॉर्निंग को बस जैसे शुरू हो जाती जाओ डायरेक्ट। लेकिन नहीं करना भाई, 2 मिनट की चीज़ें ना पूरा लाइफ में चेंजेस करा देती हैं। इसलिए कभी भी कोई अगर ऐसा गुस्से वाला सीन हो, कोई भी ऐसा थिंक हो, ऐसी कोई चीज़ हो कि आपको लगता है कि भाई मतलब सेटिस्फेक्शन के लिए कोई मतलब बहुत सारी चीज़ें कोई सेटिस्फेक्शन कुछ भी करता है, लेकिन सोचो उस चीज़ के बारे में। अगर आप उस 2 मिनट के बारे में सोच रहे हो, 2 मिनट के 2 मिनट को आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो कि अगर ये 2 मिनट का सेटिस्फेक्शन आपको मिल गया तो बाद में आपको कितने दिक्कत होंगी, इसके बारे में सोचना चाहिए आपको। ये बस बताना था आपको। फिर बाकी सब अभी सोना है, अभी टाइम कितना है, अभी 12:43 पर, और अभी ये अराउंड हम कितना होटल से हम 12:00 निकले थे, 12 बजने के बाद, तो मतलब अभी कितना 20-25 मिनट पहले ये ऐसा हुआ है। मुझे बना के अभी जाके सो जाऊँ, ठीक है, चलता हूँ भाई, मिलते हैं अगले कई वीडियो, दूसरे वीडियो में, ब्लॉग्स तो बनाता रहता हूँ ना, ठीक है, मिलते हैं, ओके बाय।